अभी टाइम हो रहा है रात के 11:05। अभी और हम जा रहे हैं घूमने। ये देखो 11:05 अगर दिख गया हो तो। तो अभी लेट नाइट हमें भूख लग रही थी तो हमने सोचा कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। अब 2018-19 में मुझे कंफर्म नहीं कब आया था, तब हम गए थे तपाक स्ट्रीट फूड करके। मैं नीचे नाम सही लिख दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। तपाक स्ट्रीट फूड करके, तपाक स्ट्रीट ट्रक फूड करके कोई है, वहाँ ट्रक ही ट्रक होते हैं तो वहाँ ट्रक में अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाते हैं। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने उसकी टाइमिंग देखी है गूगल पे, तो उसकी टाइमिंग आ रही है शाम को 5 बजे खुलता है और रात के 1 बजे तक खुलता है। तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं। और हमारे यहाँ से वो है 3-4 किलोमीटर यहाँ से। तो मैंने अभी कैब चेक करी थी ग्रैब में, यहाँ एक्चुअली ग्रैब चलती है, ग्रैब टैक्सी, ग्रैब में चेक करी थी तो ग्रैब में दिखा रहा है 11 रिंगिट। 11 रिंगिट में तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, यहाँ ट्रैफिक व्राफिक कुछ नहीं होता, ना ही दिन में होता ना ही रात में होता। तो बस निकलने लगे हैं, शूज़ पहनने लगा हूँ, पर जा रहे हैं, अभी मिलते हैं आपसे। 4 मिनट में कैब आ रही है, कैब का वेट हो रहा है। ये देखो व्यू, जो रिगालिया में हम रुके हुए हैं उससे केएल टावर दिखता है पूरा। ये सॉरी ट्विन टावर, जहाँ हम रिगालिया में रुके हुए हैं उसकी लॉबी से ये ट्विन टावर दिखता है प्रॉपर। देखो व्यू, देखो व्यू, इसके ही पैसे हैं सारे। व्हाट अ व्यू। और मित्रों ये हम पहुंच गए हैं तपाक स्ट्रीट में, तपाक अर्बन स्ट्रीट डाइनिंग। लेट नाइट 1 बजे तक खुलता है ये तपाक स्ट्रीट, तपाक अर्बन स्ट्रीट डाइनिंग। आप लोग यहाँ जरूर आना जरूर। अलग अलग आइटम यहाँ मिल रहे हैं खाने के लिए, बहुत सारे अलग आइटम। हमने जो है यहाँ से बर्गर लिया है, एक इस कार्ट से बर्गर लिया है, सिंगल चीज़ बर्गर चिकन वाला 10 रिंगिट वाला लिया है, और कई सारे एक कॉम्बो है। ये वाला बर्गर ट्राई कर रहे हैं, चिकन वाला सिंगल चीज़। है मानो एक्साइटेड, बोता 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 बोता। यहाँ कई सारी ऐसी ऐसी छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ। मुझे अब तक कहीं पे बियर नहीं दिखी है कि यहाँ स्ट्रीट पे बियर मिल जाए। मेरे ख्याल से यहाँ अलाउड ही नहीं है कि बियर, मतलब पब्लिक में बियर पीना, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में तो यहाँ बियर पीना अलाउड ही नहीं है। और जैसे आप जैसे थाईलैंड जाते हो, वियतनाम जाते हो, चलते चलते भी बियर पी लेते हो ना स्ट्रीट पे, चलते चलते वॉक। तो यहाँ गलती से भी ये मत करना, बहुत मोटा फाइन है। ये गलती आप यहाँ मलेशिया के मत करना, ये दूसरी थाईलैंड वियतनाम जैसी एशियन कंट्रियाँ नहीं है, तो इधर थोड़ा केयरफुल रहना, इन छोटी मोटी चीज़ें गलतियाँ करने से बचना। बाकी कंट्री बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, खाना पीना अच्छा है, बहुत सस्ती कंट्री है। बाकी बर्गर का टेस्ट बताते हैं अभी आपको। ये हमारा बर्गर आ गया, चिकन बर्गर। खाओ जी, टेस्ट बताओ। टेस्ट चले, खावांगे बाबा। खाओ खाओ बाबे, खाओ खाओ, चेक करो चेक। हाँ हाँ शाबाश, कैसा है? मज़ा आया? जूसी स्पाइसी? बढ़िया बढ़िया। बस भाई भानु शेफ ने अप्रूव कर दिया है तो बढ़िया होगा, अभी हम भी खा के बताते हैं। अमन खा के देंगे ना, तेरा दिल खुश हो रहा ना, दिल खुश हो रहा है। ओहो सो जूसी, ओसम, ओहो। मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। बर्गर खा लिया, क्या बर्गर था, ओहो मज़ा आ गया, मज़ा बल्ले बल्ले। अब हम पीने जा रहे हैं मैंगो शेक, मैंगो शेक पीएंगे। नारियल पानी भी आ रहा है 9 रिंगिट का, मैंगो शेक आ रहा है 8 रिंगिट का, तो मैंगो शेक पीएंगे। 1 रिंगिट बचाएंगे हम, 1 रिंगिट बचा कर करोड़पति बनेंगे। ये 8 रिंगिट मैंगो लस्सी, या 2 मैंगो लस्सी। हम ले रहे हैं मिल्की मैंगो 2 मैंगो लस्सी, अवेलेबल नहीं अभी, मिल्की मैंगो। वहाँ से निकल गया तपाक अर्बन स्ट्रीट से, अब ये मैंगो शेक ले लिया है, 8 रिंगिट का था। पैसा वसूला मैंगो शेक में, पैसा वसूला बहुत टेस्टी है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रिगालिया स्वीट्स पैदल पैदल।
वैसे एक घंटे लगेंगे पैदल जाने में, अब पता नहीं कब ये खत्म हो जाएगा तो हम कैब बुक कर लेंगे, बुला लेंगे, तो तब तक पैदल ही चल, तब तक पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, कोई भी अगर आप पीने वाली चीज़ लेते हो ना, पहला घुट मारोगे तुम्हें टेस्ट नहीं आएगा, तो वो पीने के बाद थोड़ा सा वेट करो, फिर पियो, फिर आएगा टेस्ट। रात को भी सारी चीज़ें खुली हुई हैं यार, ये देखो इंडियन। चलते चलते फिर से आ गया ट्विन टावर, ट्विन टावर हमारा साला पीछे ही नहीं छोड़ता, दिखाता हूँ। ये देखो ट्विन टावर, ये है पूरा ट्विन टावर। रात के 12:10 हो रहे हैं, बट यहाँ हलचल अब भी है भानु, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई रात के 12:30 बज रहे हैं, सोते नहीं है ये यहाँ, सोच रहे सो जाते हैं। गाड़ियां एक से एक मिलेंगी आगे, एक से एक। स्ट्रीट में लाइटें इतनी है। पेड़ों में भी लाइटें घुसा दी है, पेड़ों में भी है, देखो पूरा जगमग जगमग फैला रहा है। रईसों का होटल दिखा दे भाई, सूर्य के LCC। नहीं आवे तो हम भी रुक सकते हैं। अच्छा, वही बड़ी बात है, होगा 11:12 यार, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मज़ा आ रहा, नाइट वॉक का मज़ा ही अलग होता है, नाइट वॉक का मज़ा ही अलग है। मैं तो सो गया था 8:30 मेरी आँख खुली अचानक 10:00, मैंने कहा भूख लगी नहीं, मैं चलो चलते ही हैं, फिर निकल आए हम। ये देखो कितनी सुंदर सिटी है, कितनी सुंदर, ऑसम, ये देखो। सॉरी, तुम्हें यहाँ दिखेगा बैंचो HD किसको कहते हैं, मतलब रियल लाइफ HD 4K। एक शब्द डालता हूँ, जब मैं दिल्ली में था ना, मुझे 5-6 महीने से लग रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ, कि मेरी आंखें हो रही है कमजोर, कि मुझे दूर का दिखता नहीं सही से, सब थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखता था दूर का, बट यहाँ आके लग रहा है नहीं मेरी आंखें ठीक है भाई, मेरी आंखों में कोई कमजोरी नहीं है अभी, दिल्ली का पॉल्यूशन का असर है और कुछ नहीं है यार, क्या सिटी है। मैं कोलंबो 2018-19 में आया था, मुझे तो पता नहीं तब भी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, जो इस बार लग रही है पता नहीं कैसे क्यों, क्योंकि मैं अब आया हूँ ना साथ में। हाँ, ये भी एक रीजन है। ये अपना ट्विन टावर तो पीछे दिख रहा है, ये है ट्विन टावर, हमारा हो गया अब ख़त्म मैंगो शेक। अब हमने कर ली है कैब आई है, पता नहीं कितने रिंगड़ी हुई, मैंने चेक भी नहीं करा, अब कैब पकड़ के इधर रिगालिया सूट और जाके हम सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, अब कल का हम घूमेंगे जो भी करेंगे। बाय। फाइनली पहुंच गए हैं, 12:20 हो रहे हैं, ठीक है, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे भी नहीं सोते आदमी, यहाँ नहीं सोते भैया, रात का जो मज़ा वो अलग है, रात का मज़ा अलग है, नाइट लाइफ अलग है यहाँ की। यहाँ पे बंदे रात को निकलते हैं और मतलब एक से एक गाड़ी, और मतलब बंदे भी एक से एक है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, रात को निकल सकते हो 11:12-1 बजे। हाँ। 1 बजे चलो ना ही निकलो, मैं भी नहीं आऊँगा, बट 11:12 बजे तक आप 12:30 बजे तक बाहर रह सकते हो, कोई इशू नहीं, आराम से फैमिली साथ वॉक पे निकलो, घूमो फिरो, बिल्कुल सेफ कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है।